आज दिल्ली से चलकर हरिद्वार उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में प्रवेश कर चुके नमामि गंगे मशाल की टीम का प्रयागराज के मांडापाली होते हुए जिगना बेहसड़ा स्थित महाशक्ति इंटर कॉलेज विरोही शहीद राकेश गेट पर अकोड़ी में महेश भट्टाचार्य स्कूल पर हुआ भव्य स्वागत। टीम के मुखिया मेजर LN जोशी जी ने माँ गंगा को स्वच्छ एवं शुद्ध रखने के लिए लोगों से अपील की एवं अन्य लोगों को इसके बारे में माँ गंगा को स्वच्छ रखने में सहयोग करने को कहा। वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद मिर्जापुर CDO लक्ष्मी जी, ADM और SDM नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने भी लोगों को संकल्प लेकर माँ गंगा की स्वच्छता पर ध्यान देने की अपील की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े सब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष मिर्जा स्वामीनाथ सिंह ने कहा कि लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा, लोग सफाई के प्रति जागरूक होंगे। इस दौरान जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। आपका नाम सर? मैं मेजर LN जोशी हूँ, गंगा टास्क फोर्स जो मिशन नमामि गंगे के अंतर्गत काम करती है, गंगा की सफाई और रिलेटेड। सर, इस योजना जो नमामि गंगे ये मशाल यात्रा निकली हुई है, इसको लेकर के आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के जो आप यहाँ युवा मौजूद है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? नाम ही मशाल यात्रा है और गंगा मशाल यात्रा है। हमारा उद्देश्य ये है कि इस मशाल के लौ की तरह लोगों के दिलों में जो गंगा और आसपास की नदियों की सफाई का भाव है वो दोबारा से जागृत हो सके और हम आने वाले टाइम पे हमारी नदियाँ एकदम स्वच्छ और प्रदूषित मुक्त हो सके, यही हमारा उद्देश्य है। सर, इस गंगा मशाल योजना का गंगा मशाल जो निकली हुई है सर, वो कहाँ से कहाँ तक इसका? देखिए, विधिवत उद्घाटन हुआ था दिल्ली में, बट हम 5 राज्यों को कवर कर रहे हैं जिनके थ्रू गंगा होकर गुजरती है। हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड और लास्ट में पश्चिम बंगाल पहुँचेंगे, जहाँ पे गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो हम 5 राज्यों से होते हुए जाएंगे, लगभग 23 जगह हैं जहाँ पे हम लोग का रुक के लोगों से बातचीत करें। थैंक यू सर। थैंक यू। मिर्जापुर से प्रकाश सिंह टिकेत की रिपोर्ट R9 भारत के लिए।